आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे ऐसी लस्सी देनी होती है। सो ये देखो। सो मैं हो गई हूँ रेडी और राम राम प्यारे दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि मुझे किसी ने उठाया ही नहीं, क्योंकि मेरे घर पे कोई है ही नहीं। कल के मेरे मम्मा, भैया, मेरी बहन सब शादी में गए हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे साथ नहीं लिया और वो बहुत दूर गए हैं शादी में। तो मैंने पूछा मैं क्यों नहीं आ सकती, तो उन्होंने कहा कि तुम शादी में ले जाने के लायक नहीं हो। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे अकेले सारे काम करने हैं, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करनी और क्या काम होते हैं भूल गई, सोच के बताऊंगी और क्या काम होते हैं। तो मतलब जितने भी काम होते हैं सब मुझे ही करने। आज बहुत मजा आने वाला है, मैं बाहर भी जाऊंगी, बहुत मजा करेंगे, फन करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक व्लॉग देखना, बहुत मजा आने वाला है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से क्या शुरू करूं, इसलिए मुझे आ रहे हैं चक्कर। गाइस मुझे आ रहे हैं चक्कर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सो गाइस मैं फ्रेश अप हो गई हूँ और मैंने नहा लिया है, बाल नहीं बनाए क्योंकि बालों में बड़ा टाइम लगता है। मैंने सफाई भी कर ली और मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैंने खाने के लिए लाया जो भी। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। चलो तो ब्रेकफास्ट करते हैं, किचन में जुटे हैं। लस्सी देनी होती है। So, मैंने गाना फिनिश कर दिया है, मुझे तो नहीं मिली मेरी। तो अभी हम बर्तन धोएंगे, मैं बर्तन धोऊंगी। सब ने बर्तन धो लिए हैं, हम दूध का इंतजार कर रहे हैं, दूध के ठंडे होने का। सो गाइस जब भी मैं किसी का इंतजार करती हूँ तो मैं इस चेयर पे बैठ के इस तरह से घूमती हूँ, इस तरह से तो घूमती रहती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सो आई थिंक 5 मिनट हो गए हैं, तो हम दूध को लेकर आते हैं, दूध का मर्डर करते हैं, दूध को लेके आते हैं। अभी भी बोल गर्म है, बाद में पीएंगे इसको, बाहर ले जाते हैं तो बाहर ही पियेंगे हम। ठीक है, बाय बाय। सो मैं दूध को ले आई हूँ, तो यहीं पे ठंडा हो जाएगा, यहीं पे पी जाएंगे इसको। सो फाइनली गाइज आफ्टर 10 ईयर्स ये दूध ठंडा हो गया, लेट्स ड्रिंक इट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे गिटार की प्रैक्टिस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये रहा मेरा गिटार, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि मुझे शाम को क्लास भी जाना है। मैं भी प्रैक्टिस बाहर बैठ के करती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ अंदर रह रह के। पप्पी, इसको पप्पी करना बहुत जरूरी है वरना ये नहीं बजता है। फिट कर दूंगी इस गाड़ी पे, होगा मेरा फोन फिट इस तरह से। मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, मैं बहुत बकवास बजाती हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। गाड़ी को थोड़ा पास कर लेते हैं। गया, गिर जा, टूट जा, फट जा।
सो गाइस प्रैक्टिस तो हो गई है, अभी मैं कर लेती हूँ गिटार को पैक एंड देन हम लगाएंगे नेल पेंट। देखो कितने गंदे नेल्स हो गए मेरे, ये देखो नेल पेंट निकल गई है, उतर गई है, सो हम नेल पेंट लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम नेल पेंट जो मेरे ऑलरेडी है इसको हमने करना है रिमूव, तो हम इससे रिमूव करेंगे इसको रिमूवर से। तो देखो गाइस मेरे नेल बिल्कुल साफ हो गए हैं, तो अब हम इन पे लगाते हैं नेल पेंट। सो गाइस मैं लगा रही हूँ ब्लैक कलर का और उसके ऊपर लगा रही हूँ पर्पल कलर का शिमर, ये ठीक लगेगा आई। सो गाइस ये दोनों हैंड्स पे मैंने ब्लैक नेल पेंट लगा लिया है और अभी हम इसको सुखाएंगे और उसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे पर्पल वाला, सो मेरा नेल पेंट जो है वो सुंदर हो जाए और शाइनी शाइनी दिखे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको ये कितना सूट कर रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे नेल्स, छोटे छोटे नेल्स मेरे पर फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइस दोनों हैंड्स पे मैंने लगा दिया है, इतना प्यारा लग रहा है, वाओ। मैं अभी इंतजार कर रही हूँ अपने नेल पेंट के सूखने का, तो इसलिए मैं इसको घुमा रही हूँ और इतना घुमा रही हूँ, इतना घुमा रही हूँ कि जब तक सूख ना जाए तब तक मैं इसको घुमाती रहूंगी क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ। नहीं पागल हूँ मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जब तक मेरा नेल पेंट सूखता है तब तक मैं बना लेती हूँ फेस को लगाने के लिए एक पेस्ट बनाती हूँ मैं, जिससे मेरा फेस सुंदर हो जाएगा और मैं गोरी हो जाऊंगी। तो अभी मैं लेके आती हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि मैं फेस के लिए अपने फेस के लिए जो पैक बनाती हूँ वो कैसे बनाती हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना, देखना लास्ट तक। मैं लेकर आती हूँ सारी सामग्रियां लाके मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। तो मैंने सारी सामग्रियां इकट्ठी करके लाई है, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ, क्या क्या मुझे इसमें डालना है, तो किस तरह से बनेगा पेस्ट सॉरी पैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये मैंने ले लिया है एक बाउल और बाउल में डाल दिया मैंने बेसन, ये देख सकते हो आप बेसन है ये करता है, तो हम इसमें छोटा स्पून एक डाल देंगे, हल्दी थोड़ा और डाल देते हैं। सो देन हम डालेंगे गाइस कॉफी, तो आप कोई सी भी कॉफी ऐड कर सकते हो इसमें, तो गाइस इतना कॉफी ठीक रहेगा। तो गाइस अब मेरा हनी खत्म हो गया, इसमें थोड़ा सा ही बचा है, तो आप इसमें हनी मिक्स कर सकते हो, हनी भी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और रिंकल्स को भी हटाता है हनी, तो इसमें हनी ऐड कर देती हूँ मैं, थोड़ा ही है बचा। इसमें हम ऐड करेंगे दही, कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ड से हमारी गाइस दही से हमारी स्किन हमारी पिंपल्स खत्म होते हैं, वो जो हल्दी होता है उससे हमारी पिंपल्स जो होता है सूजन हो जाती है पिंपल्स में वो कम होती है, तो हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब हम इसको करते हैं मिक्स, तो ये पैक अगर आप रोज अपने फेस पे अप्लाई करोगे जितने भी पिंपल्स होंगे आपके फेस पे सब चले जाएंगे, सब के सब चले जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना अच्छे से कि फेस पे अप्लाई हो जाए। तो ये मैंने बाल पीछे कर लिए, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, मेरा नेल पेंट भी सूख गया है। तो ये मेरा रहा पैक से पहले का फेस, ये देखो ये ऐसा है अभी फेस मेरा, तो हम रिजल्ट देखते हैं कि कैसा रहता है इसका रिजल्ट। सो गाइस मैंने अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे, तो गाइस मैं अभी इसके सूखने का इंतजार करती हूँ। तो गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया और आप ये देख सकते हो रिजल्ट पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया है मेरा स्किन और अच्छा लग रहा है और पिंपल में भी फर्क आ गया। इसको अगर दो बार मैं और यूज करूँ तो ये पिंपल गायब हो जाएगा। सो अभी मैं अच्छी लग रही हूँ और अभी काफी टाइम हो गया तो मैं लंच कर लेती हूँ एंड देन मुझे कुछ काम है वो करूंगी, तो अभी मैं लंच कर लेती हूँ, तो फिर से मैं आपको अपनी स्किन दिखाती हूँ। ये देखो गाइस सुंदर स्किन मेरी। सो गाइस दिस इज माई लंच,
मैं चावल मतलब कम ही खाती हूँ, ज्यादा चपाती खाती हूँ, तो ये मैंने पनीर की भुर्जी बनाई है एंड ये कड़म का साग और चपाती एंड अगेन लस्सी। मैंने खाना खा लिया। अब मैं ड्रेस बनाऊंगी, जो इनकम्प्लीट रह गई थी, मैं एक ड्रेस बना रही थी उसको मैं कंप्लीट करती हूँ एंड देन मैं बाहर। रात हो गई है तो मैं अभी तक ड्रेस बना रही थी और अभी थोड़ी सी रहती है वो इनकम्प्लीट है तो उसको मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, तैयार होकर मिलती हूँ। सो मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे क्या रेडी होना था गाइस, मैंने बाल खोल लिए अपने एंड ये पहन लिया गर्म, बाहर बहुत ठंड है तो मैंने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ टाटा बाय, मैं से लेट हो गई हूँ। तो गाइस मशरूम ले लिया मैंने सुबह के लिए, तो अभी हम चलते हैं घर को। ये सारा सामान ले आई हूँ मैं खाने के लिए। खत्म हो जा, पैसे खर्चवा मेरे को, फिर तो फिर मेरे को भिखारी बना दे, ठीक है। सो गाइस दिस इज डिनर टाइम, तो मैंने डिनर कर लिया है और मैंने फेस वॉश भी कर लिया। मैं रात को सोने से पहले फेस वॉश करती हूँ और नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। सो आज के व्लॉग में आपको थोड़ा भी मजा आया हो प्लीज लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा आपको एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नए व्लॉग में, आज मुझे बहुत ही मजा आया अकेले रह के, अकेले सारा काम करके। सो गुड नाइट, मैं जा रही हूँ सोने, तारा बाय बाय।